वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का कार्यक्रम एक नए चैप्टर के साथ। आपको याद होगा पिछली बार हमने आपको कंप्लीट कराया था कैश बुक, जो कि वन ऑफ दी सब्सिडरी बुक था। तब भी हमने बताया था कि पांच और होती हैं, छह सब्सिडरी बुक बताई थी ना। तो आज हम बाकी की पांचों किताबों वाले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। आइए देखें जरा, थ्योरी में भी यही लिखा है क्या? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ह्यूज होती हैं बिजनेस में, तो जर्नल को सब डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक में। और मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। क्या होता है इन छह किताबों में? कैश बुक में सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं या बैंक की ट्रांजेक्शन। परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज, और कौन सी? जिनमें आप डील करते हैं गुड्स इन ट्रेड, सारी गुड्स नहीं, आप जिनमें डील करते हैं सेल परचेज वाली। अगर आपने उन गुड्स के अलावा कोई और चीज क्रेडिट में खरीदी तो वो जनरल प्रॉपर में आएगी। तो केवल गुड्स इन ट्रेड की परचेज क्रेडिट वाली परचेज बुक में, और गुड्स इन ट्रेड की सेल क्रेडिट वाली अगली किताब है हमारी सेल बुक। तो सेल बुक क्रेडिट सेल के लिए, परचेज बुक क्रेडिट परचेज के लिए, उन गुड्स के लिए जिसमें हम डील करते हैं। और इसी प्रकार परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न उन्हीं गुड्स के लिए जिनमें हम डील करते हैं। क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न बुक में, क्रेडिट सेल वाली सेल रिटर्न बुक में। ध्यान दीजिएगा जरा, क्योंकि कैश परचेज वाली अगर रिटर्न करते हैं तो उसके अगेंस्ट तो कैश वापस आ जाता है, तो वो कैश बुक में होता है। और कैश परचेज रिटर्न का पैसा वापस आता है, कैश सेल रिटर्न का पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और जो इन पांचों किताबों में नहीं आ सकता वो जर्नल प्रॉपर में आ जाता है। उसके आगे लिखा भी यही है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर एज अबव। जो ऊपर की पांच किताबों में नहीं आता वो सब बचा खुचा माल जर्नल प्रॉपर में आ जाता है, ठीक है जी। तो इन सब्सिडरी बुक के कई नाम हैं, इनको हम स्पेशल जर्नल भी कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, डे बुक भी कहते हैं, स्पेशल पर्पस बुक भी कहते हैं, सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। तो किताब एक नाम अनेक, जैसे भगवान एक नाम अनेक, ऐसे ही इन किताबों के बारे में कई नामों से जाना जाता है। जो भी नाम लिखा हो मतलब एक ही होता है। पिछले चैप्टर में हम कैश बुक डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कैश बुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, थ्री कॉलम, और फिर हमने पढ़ी थी शायद पेटी कैश बुक, एक सिंपल वाली और एक इंप्रेस सिस्टम वाली, याद है ना। तो अब हम बाकी की पांच किताबें डिस्कस करने वाले हैं, सारी एक दिन में नहीं, चलते हैं धीरे धीरे जितनी हो जाएंगी, फिर उस पर सवाल, फिर उस पर मल्टीपल चॉइस, इसी तरह जैसे हम हर चैप्टर में चलते हैं। तो आज की पहली किताब शुरू की जा रही है परचेज बुक। ये लीजिए साहब आपके सामने परचेज बुक को परचेज जर्नल या परचेज डे बुक भी कहा जाता है। इट रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जिसमें बिजनेस डील करता है। इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स मटीरियल एंड स्टोर्स यूज्ड इन द फैक्ट्री, नो कैश परचेज एंड अदर परचेज ऑफ गुड्स नॉट डेल्ट बाय बिजनेस। जैसे कि अगर बिजनेस कंप्यूटर में डील करता है तो ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ कंप्यूटर आएगी, इट विल नॉट रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ कंप्यूटर, कैश और क्रेडिट परचेज ऑफ एनी अदर आइटम जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, टाइपराइटर एटसेट्रा, ये सब नहीं आएगा। और ना ही कैश परचेज ऑफ द
पर्टिकुलर गुड्स आएंगी, क्योंकि कैश परचेज जाएंगी कैश बुक में, ठीक है। नाउ हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, एंट्रीज इन द परचेज बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स यानी सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हमारा अगला चैप्टर शायद सोर्स डॉक्यूमेंट ही है, विल सी, नहीं हम कर चुके हैं, सॉरी सोर्स डॉक्यूमेंट हम कर चुके हैं, वाउचर वगैरह हम कर चुके हैं, लाइक परचेज इनवॉइस, बिल इशूड बाय सप्लायर, ये सारे के सारे इन बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। एंट्रीज आर मेड एट नेट फिगर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। वैसे मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट का मतलब थोड़ा सा बता दूं। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जब हम किसी से माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसी समय कह देते हैं जी 5% 10% इसमें जो MRP आपको दी हुई है उसमें से कम पे मिलेगा, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, एंड दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग। इसका मतलब कि अगर मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो मुझे कितने की मिली, 90 रुपये की, तो मैं अपनी किताब में 90 की एंट्री करूँगा, 10 रुपये की बात ही नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ा है कि मैंने 100 रुपये दे के 10 रुपये का डिस्काउंट वापस लिया पेमेंट करते हुए, उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। वो रिकॉर्ड होता है कि 100 की चीज़ खरीदी, पेमेंट के समय 90 रुपये दिए, 95 रुपये दिए, तो वो जो डिस्काउंट प्राप्त हुआ वो लिखेंगे। लेकिन अगर 100 की चीज़ के मैंने दिए ही शुरू में 90, तो हमारी बातचीत की शुरुआत ही 90 रुपये से हुई, तो ट्रेड डिस्काउंट इज़ नेवर पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग। ट्रेड डिस्काउंट कभी किताबों में रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो ये है जी फॉर्मेट इसका, 6 कॉलम होते हैं इसमें, सीधा कॉलम वाइज पढ़ते जाते हैं। पहला डेट ये दे रखा है, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, अमाउंट, तो एक एक करके पढ़ते जाते हैं। डेट तो डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन ही होती है, जिस दिन हमने ये ट्रांजैक्शन करी। पर्टिकुलर्स, द नेम ऑफ द सप्लायर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स परचेज्ड, क्वांटिटी, ट्रेड डिस्काउंट एट्सेट्रा। इनवॉइस नंबर होता है वो बिल नंबर जिस पे आप परचेज करते हैं, तो उसका कोई बिल नंबर होता है ऊपर लिखा हुआ। लेजर फोलियो, जिस पेज नंबर पे लेजर पे वो ट्रांजैक्शन पोस्ट होती है। डिटेल, जैसे रेट एंड क्वांटिटी, मान लो 5 आइटम है तो 100 किलो 10 रुपये के हिसाब से, 500 किलो 5 रुपये के हिसाब से, सारी डिटेल में पहले जाएंगे, फिर इनका टोटल करके ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट कॉलम में अमाउंट में जाएंगे। आखिरी में लिखा हुआ है अमाउंट में नेट अमाउंट आता है, और फिर जो परचेज बुक का टोटल होगा लास्ट में जाके अमाउंट कॉलम का, उसे परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है। देखो परचेज बुक और परचेज अकाउंट में मेरे ख्याल से आगे डिफरेंस है, ठीक है। अभी वैसे मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज होती है और कैश परचेज कैश बुक में होती है। दोनों को ट्रांसफर करके परचेज अकाउंट में ले जाते हैं, तो परचेज अकाउंट का टोटल आ जाता है, वो परचेज बनता है जो ट्रायल में जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट की परचेज कहाँ से निकाली मैंने, परचेज बुक से, कैश की परचेज कैश बुक से, फिर दोनों का टोटल करके ले गया मैं परचेज अकाउंट में, ठीक है। आगे इसका डिफरेंस भी आएगा, देखते हैं अभी। लो जी एक सवाल है, करके देखते हैं इसको। परचेज ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड आपको दी हुई है, एक सेकंड, एक्स वाई जेड लिमिटेड की परचेज है, 10 मार्च को एम एंड कंपनी से खरीदे, 50 इलेक्ट्रिक सॉकेट 8 रुपये के, 5 हीटर 400 रुपये के, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%।
एक ट्रांजैक्शन ये है, एक ट्रांजैक्शन ये है, एक ये है, एक ये है। तो एक एक करके ले लें। 10 मार्च 2020 एम एंड कंपनी बॉम्बे, ठीक है जी। देखेंगे पहले, ज़्यादा इधर आ गया। इनवॉइस नंबर तो है नहीं, लेजर फोलियो भी नहीं है। 5 हीटर 400 के, अब इसी में डिस्काउंट दे देते हैं 10% का ये वाला। ₹2160 आ गया, ठीक है। मुझे लग रहा है दो ही आ पाएंगे मेरे, तीसरे को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 15 मार्च को टाइपराइटर खरीदा। अच्छा, ये टाइपराइटर खरीदा है, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम बिजली की चीज़ों में डील कर रहे हैं, तो टाइपराइटर एक अलग चीज़ हो गई। तो दूसरी एंट्री ये वाली नहीं आएगी, ये है तीसरी एंट्री। 18 मार्च को पी एंड सन से 10 टोस्टर 100 के, दस टोस्टर 100 रुपए के 1000 और डिस्काउंट है 15% का। और चौथी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी भाई साहब, क्योंकि ये कैश में है, कैश वाली नहीं आती। हालांकि खरीदे इसने फ्यूज़ ही हैं, बिजली की चीज़ें ही खरीदी हैं, मगर क्योंकि कैश में खरीदी हैं तो वो तो कैश बुक में आएंगी, इसमें आएंगी ही नहीं। तो हो गया हमारा काम इसका, तो इसका टोटल कर लेते हैं। ये आ गया जी इसका टोटल, एक एक एग्जाम्पल लेते जाएंगे हर एक का, फिर लास्ट में जाके एक दो क्वेश्चन पूरे वाले आपको दे देंगे एक एक प्रैक्टिस के लिए, वो आप भी कर लेना। अभी ये समझ में आ गया आपको, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है इसमें। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दिखाते हैं, ये हमने माइनस कर दिए हैं, नेट फिगर अमाउंट में आती हैं, डिटेल में सारा जमा घटा जो भी करना है। अब लेजर फोलियो है नहीं तो मैं क्या करूँ, इनवॉइस नंबर नहीं दिया, दिया होगा तो लिख लेंगे, ठीक है। चलो, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है परचेज बुक की। एज परचेज बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक आर पोस्टेड इन द लेजर ऑफ सप्लायर, ठीक है। आगे मैंने एक दो क्वेश्चन लिए हुए जिसमें लेजर अकाउंट भी बनाएंगे, शायद इसमें नहीं लिया था मैंने, हाँ आगे और में लिए हुए। एंड द टोटल अमाउंट
टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम जिसमें कि टोटल क्रेडिट परचेज हैं वो परचेज अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और वहाँ लिख देंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। आगे मैं दिखाऊंगा आपको। अब क्या डिफरेंस है परचेज बुक और परचेज अकाउंट में, मैंने बताया ना आपको, एक तो ये पार्ट ऑफ जर्नल होता है, ये पार्ट ऑफ लेजर है। परचेज बुक तो किताब हो गई ना, प्राइम एंट्री हो गई, और अकाउंट वो लेजर में बनता है, तो वो अकाउंट का पार्ट हो गया परचेज अकाउंट, और परचेज बुक किताबों का पार्ट हो गई ओरिजिनल बुक का। ठीक है, इसमें ओनली क्रेडिट परचेज, इसमें क्रेडिट और कैश दोनों। परचेज बुक के फॉर्मेट में कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, किताब है बस, मगर अकाउंट में एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब इसी तरह सेल बुक पे आ जाते हैं। सेल बुक के क्या नाम हो सकते हैं, सेल जर्नल हो सकता है, सेल डे बुक हो सकता है, जैसे परचेज बुक का भी तो था परचेज जर्नल या परचेज डे बुक, ऐसे ही सेल का भी हो सकता है। इट रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, जिसमें बिजनेस डील करता है वही, नो कैश सेल एंड सेल ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स डेल्ट, ये नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइस में डील करते हैं, चावल, तो क्रेडिट सेल ऑफ चावल विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल बुक एंड इट विल नॉट रिकॉर्ड कैश सेल ऑफ राइस। कैश सेल ऑफ राइस नहीं आएगा, और कैश या क्रेडिट सेल ऑफ एनी अदर आइटम लाइक बिल्डिंग फर्नीचर मोटर व्हीकल, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, सो हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, एंट्री इन द सेल्स बुक्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, सेल बिल, जो कि कस्टमर को इशू करते हैं विद द नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, वही जैसे परचेज बुक में था, उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट के बाद नेट अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट के बाद करते हैं, सेम है, फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है, वही छह कॉलम है, इसमें भी डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो डिटेल अमाउंट, डेट में वही डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर में नेम ऑफ द कस्टमर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, परचेज नहीं है ये सोल्ड है, क्वांटिटी, ट्रेड डिस्काउंट एटसेट्रा, नंबर ऑफ द इनवॉइस बिल, पेज नंबर ऑफ द लेजर, डिटेल में वही रेट एंड क्वांटिटी, नेट अमाउंट, पोस्ट किया जाएगा क्रेडिट ऑफ सेल अकाउंट इन द लेजर। भाई परचेज अकाउंट को डेबिट में पोस्ट करते हैं परचेज के, सेल अकाउंट को क्रेडिट में इनकम है पोस्ट करेंगे, इनकम से मेरा मतलब रिसिप्ट है, रेवेन्यू लीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर टू, फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल बुक ऑफ मैसर्स पारस फर्नीचर एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट ऑफ वेरियस कस्टमर, तो ये भी आ गया जी। अब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे मानव स्कूल का, ऑफिस लिमिटेड का, संजय लिमिटेड का, महिमा स्कूल का, ये भी बनाएंगे, और तो नहीं है, यही है, तो चार अकाउंट बनेंगे मेरे ख्याल से, वो भी बना रखे हैं, हैं नहीं बनाए, कोई बात नहीं, यही बना देंगे हम। मानव स्कूल्स, ऑफिस लिमिटेड, संजय लिमिटेड, महिमा स्कूल्स, पहले हम सेल बुक बना लेते हैं।
फिर ये बनाएंगे, ठीक है? आओ सेल बुक में मार्च 10 मानव स्कूल, एक एंट्री चाहे कम लिखेंगे मगर लिखना साफ साफ है, एक चाहे घर पे लिख लेना आप। 100 बेंच विद चेयर 800, जरूरी नहीं है पूरा लिखना। आ सकता है तो लिख देते हैं। तो 80,000 के हुए। दस एसी 25,000 के, वाह वाह। ढाई लाख के, तीन तीस, देख लियो तू। 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 33 और 16,500, 49,500 होगा। एक मिनट कर लूँ फिर भी। फोर्टी नाइन 500, ठीक है। दो सौ अस्सी 500, ठीक है जी। लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। एक मिनट आप नोट करिए इसको, जरा फुल स्क्रीन करना। अगला पॉइंट, मार्च 15 ऑफिस लिमिटेड, क्या बेचा जी इसको? 20 चेयर 200 की, 200, 400, 4,000, पांच एसी 28,000, इंटू पांच 1,40 जी, 10% चौदह 400, एक सौ 29,600। अब आगे दो ट्रांजैक्शन है और मेरे पास जगह है कम, तो मैं ना ऐसी जमा घटा कर रहा हूँ, आप बाद में कर लेना उसको। 22 मार्च संजय लिमिटेड, मैं एक ही बार में लिख देता हूँ।
यहीं कर लेता हूँ, 25 टेबल इंटू 1100, आप भी करते रहो। और 2500 की चेयर्स हो गई, टीजर इसमें 15% डिस्काउंट, 25500, 500। और अगला है महिमा स्कूल्स, डिटेल बेटा अपने आप लिख लेना, छप्पन हजार के तो एसी हो गए, 2500 की चेयर हो गई, 15% का डिस्काउंट, 49725। इन दोनों को डिटेल में आप लिख लेना। फोर एट फाइव 325, ये टोटल है परचेज अकाउंट में, ये ट्रांसफर सॉरी सेल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे को मानव स्कूल का अकाउंट बनाना है तो उसमें 280 500 से एंट्री हो जाएगी, मानव टू सेल 280 500। अगर ये एक ही एंट्री है डेबिट बैलेंस हो गया इसका, सबका इधर ही आएगा क्योंकि मैंने सेल करी है ना तो पैसा लेना है। ऐसे ही ऑफिस लिमिटेड का 129600, पच्चीस 500, 49725। सब में टू सेल और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, चाहो तो ट्रायल भी बना सकते हो इनका, टैली तो हो ही जाएगा, जगह नहीं है तो बनाया था अभी। चारों के चारों डेबिट में आ जाएंगे डेटर, और क्रेडिट में आ जाएगा सेल, टैली हो जाएगा पूरा। हैं तो यही चार एंट्री हैं सेल में, ठीक है। वही इसमें सेल अकाउंट में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक आ जाएगा, सेल बुक और सेल अकाउंट में भी वही डिफरेंस है, ये सेल बुक पार्ट ऑफ जर्नल है, ये पार्ट ऑफ लेजर है। इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल आती है, इसमें क्रेडिट कैश सेल दोनों आती है,
डेबिट क्रेडिट में नहीं होता, सेल बुक तो एक जैसी लिखी होती है और सेल्स अकाउंट डिवाइड होता है डेबिट क्रेडिट में, क्योंकि तो सेल अकाउंट तो ऐसे बना ना कि डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है। बुक में तो होती नहीं कोई, बुक में तो सीधा लिखना है बस, आपने डेट पर्टिकुलर होता है, वो डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ठीक है, एक और कर लेते हैं किताब, परचेज रिटर्न कर लेते हैं, अगली बार फिर सेल रिटर्न जर्नल वगैरह कर लेंगे। यस, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक इसका नाम है। आउटवर्ड का मतलब होता है जो हम बाहर की तरफ आउटवर्ड रिटर्न करते हैं। ठीक है, सो परचेज रिटर्न बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स और मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। क्या रिकॉर्ड नहीं होता? रिटर्न ऑफ गुड्स ओरिजिनली परचेज फॉर कैश एंड रिटर्न ऑफ आइटम अदर देन गुड्स डेल्ट बाय बिजनेस। अब क्या रीजन हो सकते हैं जी रिटर्न के? गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, गुड्स आर डिफेक्टिव और डैमेज, प्राइसेस आर चार्ज इन एक्सेस ऑफ एग्रीड प्राइस, गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम। किसी भी वजह से हम रीजन की वजह से गुड्स को वापस कर सकते हैं। अब चीज़ अगर हमारे मतलब की नहीं है, क्वालिटी की नहीं है, तो रख के क्या करेंगे? बिकनी तो है नहीं वो, या हमने अगर प्रोडक्शन में यूज़ करनी है करेंगे ही नहीं, तो उसे रख के क्या फ़ायदा? और अपना नुकसान क्यों सहे भाई, उसको वापस ही कर देंगे जब हमने तुमसे जैसी मांगी वैसी दो चीज़। तो उसके लिए हम एक डेबिट नोट भेजते हैं कि इतना पैसा मैंने तुझसे अब लेना है, डेबिट नोट। भाई परचेज करी तो तुझे देना है क्रेडिट नोट, रिटर्न करी तो लेना है डेबिट नोट। ठीक है, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर या गुड्स हैव बीन डैमेज या एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस देन क्वांटिटी मेंशन, तो एक नोट बनाते हैं हम, कागज का टुकड़ा प्रिंटेड होता है वैसे वो, उसमें सारी डिटेल होती है, परचेज रिटर्न, डैमेज, क्या रीजन है। इस नोट को कहते हैं डेबिट नोट। इट इज़ ए सोर्स डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड द एंट्री इन परचेज रिटर्न बुक। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिससे हम उसमें एंट्रियां करते हैं, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड, ताकि थोड़ा उसमें लिख सकते हो डेबिट नोट नंबर 1, 2, 3, 4, एक नंबर से लिखा होता है, पूरी बुकलेट होती है, डबल ट्रिपल में उसके बने हुए होते हैं। एक उसको भेज देते हैं सप्लायर को, एक किताब में लगा रह जाता है, एक को हम उसके साथ लगा देते हैं अपने वाउचर के साथ। कई बार चार में होता है, कई बार तीन में तो होता ही है। सप्लायर का अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट रिटर्न इन दिस नोट, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, ओरिजिनल कॉपी सप्लायर के पास, डुप्लीकेट आपके पास, और कई बार डुप्लीकेट की जगह ट्रिप्लीकेट भी लिखा होता है किताबों में। वो एक उसी किताब में लगा रहता है एक वाउचर के साथ, और एक ओरिजिनल तो सप्लायर को चला गया। ये इसका फॉर्मेट है जी, इसमें भी वही 6 कॉलम है, डेट पर्टिकुलर तो सब में होता ही होता है। अब यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आ गया बजाय इनवॉइस नंबर के, लेजर फोलियो वही है, पेज नंबर डिटेल में भी वही है और अमाउंट में भी वही है, नेट करके जो आता है टोटल पोस्ट हो जाता है क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट में जाता है परचेज रिटर्न के, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा। लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, सप्लायर अकाउंट को डेबिट करते हैं बाय रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड टू परचेज रिटर्न, और टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम ऑफ परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न। सन्ड्री मतलब सारी एंट्रियों का टोटल, सन्ड्रीज ये मतलब है। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें लेजर पोस्टिंग भी कर लेते हैं प्रॉपर अकाउंट बना के। ये लो जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर ऑल्सो। इसमें बने हुए होंगे, बने हुए लेजर।
पहली एंट्री है 10 मार्च 2020, जेनिथ गारमेंट को रिटर्न किए गुड्स नॉट बीइंग अकॉर्डिंग टू सैंपल, डिफेक्टिव, नॉट अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, क्वालिटी इश्यूज, किसी भी वजह से वापस कर सकते। तो मार्च 10 को जेनिथ गारमेंट, पहले ये एंट्री लिख लें, जेनिथ गारमेंट्स पांच मार्च, पांच शर्ट 250 की हो गई 1250। तीन पैंट 800। पंद्रह%, ऐसे करें 360, 400, 540, 547, 50, एक मिनट करके देखते हैं। यस, मैं चेक कर रहा था, मुझे भूल तो नहीं गया। मार्च 20 गोला गारमेंट्स, दस ट्राउजर 1800, दस परसेंट ये गड़बड़ हो गई। बीस के बाद दस कैसे हो सकती है? 25 और 30 तारीख कर दी मैंने। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। 15 शर्ट × 200 3000, और ये 7000, 10000 में से 1000 गया, ये 9000, 1350 और 9000,
अब हम उधर शुभम पे 9,000, ये आ गया जी संजय गारमेंट्स। तो इनकी एंट्री होगी जेनिथ गारमेंट टू परचेज रिटर्न। जेनिथ गारमेंट का अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा ऐसे आएगा जी, मार्च 10 की एंट्री ये थी। और कौन से हैं जी? शुभम गारमेंट, संजय गारमेंट, ये पूरा का पूरा परचेज रिटर्न अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, लिख लोगे बाय बैलेंस टू बैलेंस तो लिख ही लोगे यार। ठीक है बच्चों, अगली बार से हम शुरू करेंगे सेल रिटर्न बुक। 3 किताबें मैंने आपको आज करा दी, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न। अगली बार की सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर और क्वेश्चन बढ़े, फिर मल्टीपल चॉइस। ठीक है जी, तो आज की कथा को यहीं समाप्त करते हुए विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।